हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग 10th क्लास का ही हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कर चुके हैं, तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। इससे पहले जो नए होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है दोस्तों, एक ठेकेदार है अपने बच्चों के लिए वह 2 ठो फिसलन पट्टी लगाना चाह रहा है, एक छोटे बच्चों के लिए और एक बड़े बच्चों के लिए। आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, गौर से स्क्रीन में देख रहा है। छोटे बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी लगाना चाह रहा है वो कितने हाइट पे है? 1.5 मीटर के हाइट पे है और उसका 30 डिग्री से झुका हुआ फिसलन पट्टी है। दूसरा बड़े बच्चों के लिए क्या है, वो 3 मीटर के हाइट पे बना रहा है और वह कितना डिग्री पे झुका हुआ है? जमीन से 60 डिग्री पर झुका हुआ है। यानी कि यह क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे 2 क्वेश्चन छुपा हुआ है, एक छोटे बच्चों के लिए एक बड़े बच्चों के लिए। तो चलिए देखते हैं, पहले छोटे बच्चों के लिए पहले फिगर पॉइंट आउट करते हैं। तो कंफर्म है यहाँ तो 2 फिसलन पट्टी बनेगा। तो पहला फिसलन पट्टी का कंडीशन देखते हैं, कितना हाइट में? 1.5 मीटर की हाइट में। चलिए एक हाइट ले लेते हैं, ये आपका 1.5 मीटर है सपोज, और ये कितना डिग्री कौन पे जमीन से झुका हुआ है? 30 डिग्री पे, यानी जमीन का तल यानी 36 तल, ये तो बताए हुए हैं। तो यहाँ पे कितना डिग्री कौन बना रहा है? 30 डिग्री को। चलिए इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। आपका फिसलन पट्टी कौन है? आपका ए सी, क्योंकि बच्चा यहाँ पे बैठेगा और बैठ के यहाँ पे डायरेक्ट ये स्लिप करते हुए नीचे की ओर आ जाएगा, यानी कि ए सी आपका क्या है, ये फिसलन पट्टी है। कितना हाइट पे है आपका? 1.5 मीटर के हाइट पे। चलिए दूसरा देखेंगे, दूसरा कितना हाइट में? 3 मीटर के हाइट पे है। तो चलिए एक बड़ा सा ले लेते हैं, ये आपका रहा 3 मीटर के हाइट पे। कितना मीटर के हाइट पे है यह आपका? 3 मीटर के हाइट पे। और यह फिसल पट्टी कितना डिग्री पे झुका हुआ है? 60 डिग्री पे, यानी कि यहाँ पे जमीन पे कितना आ रहा है? 60 डिग्री। चलिए इसका भी नाम दे देते हैं पी क्यू एंड आर। आपका पी आर जो है यही आपका फिसलन पट्टी है। तो इसका दो आंसर आएगा, एक ए सी छोटा फिसलन पट्टी और पी आर बड़ा फिसलन पट्टी। ये दोनों का वैल्यू अगर फाइंड हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं, चलिए रिलेशन बनाते हैं। मुझे ए सी चाहिए, दो चीज दिया है, थीटा दिया हुआ है। अगर थीटा सी पे रहे, पी का काम ये करेगा और बी का काम ये करेगा। तो बी तो दिया नहीं ना, इसलिए इसको हम लोग फाइंड आउट नहीं करेंगे। मुझे चाहिए ए सी यानी एच, हाइपोटेनियस यानी कि ए सी की लंबाई, यानी पी और एच के बीच हम रिलेशन बनाएंगे। पी एच का कनेक्शन साइन थीटम भी है और आपका कोसेक थीटम भी है। चलिए दोनों किसी का भी हम यूज करेंगे तो इसका जवाब आएगा, चलिए हम साइन 30 डिग्री का यूज करते हैं। साइन 30 डिग्री इक्वल टू कितना होता है? 1/, तो पी बटा एच यानी ए बी बटा ए सी बराबर 1/2। ए बी का वैल्यू पता है 1.5/, ए सी इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1.5 को क्रॉस कीजिएगा तो 3.0 आएगा, ए सी को 1 से कीजिएगा तो ए सी आएगा, यानी कि फाइनल क्या मिल गया आपका? ए सी इक्वल टू 3 मीटर, यानी ए सी का वैल्यू कितना आ गया आपका? 3 मीटर, यानी छोटा फिसलन पट्टी का जो लंबाई जो आना चाहिए वो 3 मीटर है। चलिए बड़े बच्चों वाला देखते हैं, फिर सेम स्टोरी। ये पी है, मुझे एच चाहिए यानी पी आर चाहिए। पी एच किस में आता है? साइन थीटा में भी आता है, कोसेक में भी आता है। आप इसे कोसेक से भी बना सकते हैं, आप इसे साइन से भी बना सकते हैं। चलिए एक हम लोग साइन में बनाए थे, इसको हम लोग कोसेक में बनाते हैं। तो कोसेक, चलिए यहीं पे लिखते हैं, कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो आप लोग जानते होंगे साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। तो कोसेक क्या है? साइन का ही अपोजिट है ना, तो इसको सिर्फ पलट देंगे, 2/√3 कर देंगे, हमारा किसका वैल्यू हो जाएगा? कोसेक 60 डिग्री का। साइन 60 डिग्री से भी बना सकते हैं, लेकिन अलग अलग मेथड में सीखेंगे, वैरायटी नॉलेज मिलेगा। तो इसका हो जाएगा क्या आपका दोस्तों?
बाय रूट थ्री। अब कोसेक थीटा इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं पहले एच बाय पी होता है, तो एच के रूप में आपका हो गया पी आर और पी के रूप में हो गया आपका पी क्यू इज इक्वल टू टू बाय रूट थ्री। पी आर का वैल्यू नहीं पता है, पी क्यू का वैल्यू पता है थ्री। अब इसको क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा दोस्तों, पी आर को रूट थ्री से एंड थ्री को टू से सिक्स आएगा। रूट थ्री इधर इंटू में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा सिक्स बाय स्क्वायर रूट थ्री। इसको रेशनलाइज कीजिए रूट थ्री को या फर्मीकरण, दोनों सेम चीज है। ऊपर में क्या आएगा सिक्स इंटू रूट थ्री बाय, देखिए डबल बार है इसलिए इसका स्क्वायर हट जाएगा, समझ में आ रहा है। तो अब इसको काटिए तीन दुना छ, तो पी आर का वैल्यू आ गया टू रूट थ्री मीटर, यानी दूसरा फिसलन पट्टी का वैल्यू क्या आ गया आपका टू स्क्वायर रूट थ्री मीटर, यानी एक फिसलन छोटा फिसलन पट्टी आपका आ गया थ्री मीटर और दूसरा वाला आ गया आपका टू स्क्वायर रूट थ्री मीटर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर फाइव हम लोग बारी बारी से देखेंगे और इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए वीडियो अपलोड मिलता रहे, नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, जय हिंद, बाय बाय।